वेलकम टू एक्सटेंड स्टडी पॉइंट दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको अगर इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको जो रेगुलर पीडीएफ मिल जाए करेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही नहीं है? बताना है कि निम्न में से कौन सही नहीं है। तो पहला दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का विनाश कैनेडी के अनुसार महामारी से हुआ, यह वाक्य सही है। दूसरा है कि सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय थे, ये वाक्य गलत है। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो युद्ध प्रिय नहीं थे, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तीसरा है कि मेहरगढ़ से कपास के विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये सही है। और चौथा है कि उनकी जो प्रिय फसल थी वो गन्ना थी, तो ये गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख फसल था वह जौ और गेहूँ था। तुम्हारे इसमें से कौन कौन सा वाक्य सही नहीं है? देखिए, दूसरा और चौथा सही नहीं है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा जो हमारा वाक्य है वह सही नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? के वेणुगोपाल। भारत के वर्तमान में जो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल है वह के वेणुगोपाल, और यह 15वें नंबर के जो हैं अटॉर्नी जनरल हैं, तो उनका नाम आपको याद रखना है। अटॉर्नी जनरल कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। और बात करिए अटॉर्नी जनरल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं यह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है इनका प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या असत्य है? बताना है कि निम्न में से क्या असत्य है। तो पहला है कि तोलकापियम एक तमिल व्याकरण पुस्तक है, सही है। दूसरा दिया हुआ है कि चोलों की राजधानी कावेरीपत्तनम थी, एकदम सही है, प्रारंभ में चोलों की राजधानी कावेरीपत्तनम थी। और जो हमारा तीसरा ऑप्शन है पांड्यों की राजधानी पोहार थी, ये तीसरा ऑप्शन जो हमारा है वो असत्य हो जाएगा। बाकी चेरों की राजधानी तोंडी थी, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है यह जो है असत्य है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करना है कि कौन से जो जनपद है इसकी राजधानी क्या थी? तो पहला हमारा दिया हुआ है कुरु, कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर ए का हमारा हो जाएगा डी। दूसरा है कोसल, तो कोसल की राजधानी क्या थी? कोसल की राजधानी थी अयोध्या, तो बी का हमारा ऑप्शन नंबर थ्री सही हो जाएगा। तीसरा है वत्स, तो वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौसाम्बी, तो सी का ऑप्शन नंबर वन सही हो जाएगा। और मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी थी राजगृह, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी का है दो सही हो जाएगा। तो इसमें सही क्या हो गया? देखिए, ए का 4 हो गया, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ये हमारा चारों जो है 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद के जो जिले जो राजधानी थी, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको 16 महाजनपद की जो राजधानी है वो जरूर से याद कर लेनी है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा बोधगया की बात करें तो बोधगया में वहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं वह श्रावस्ती में दिए हैं, और पहला उपदेश कहाँ पर दिया है? वह दिया है सारनाथ में। तो ये भी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में असत्य क्या है? यानी कि हमें असत्य कथन को ढूंढना है। तो पहला दिया है कि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य का उल्लेख किया है। देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है, लेकिन इसमें मौर्य साम्राज्य का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक आदर्श राज्य और एक आदर्श राजा के क्या गुण होने चाहिए उसका पूरा वर्णन किया, कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा के क्या गुण होने चाहिए, राजनीति कैसे होनी चाहिए, ये सभी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसके बारे में जानकारी दी है। मौर्य साम्राज्य के बारे में इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वह गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त ने लिखी है, सही है। और सोमदेव ने कथा सरित सागर जो है इसकी रचना की थी। इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में गूढ़ पुरुष किसे कहते थे? तो जो मौर्य साम्राज्य था उसमें गूढ़ पुरुष जो कहते थे गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहते थे। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो है स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज में बने चक्र को सारनाथ के शीर्ष स्तंभ अभिलेख से लिया गया है, उसमें कितनी तिलियाँ थी?
देखिए जो वर्तमान में हमारा जो अशोक चिन्ह से जो लिया गया है, जो वर्तमान में जो तिरंगा पर हमारे है, तो उसमें ध्वज में जो है वर्तमान में 24 तीलियां हैं। लेकिन सबसे प्राचीन काल में सबसे पहले जो अशोक चक्र था उसके शीर्ष स्तंभ में जो तीलियों की संख्या थी वह थी 32। सही आंसर क्या हो जाएगा? 32। देखिए यहाँ ये कैसे है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में चार सत्य बताए गए हैं और बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, तो इनको ऐसे किया गया था कि 8 चौक 32, क्योंकि चार जो है इस पर आपको जानवर के यानी कि चार पशुओं पशु इस पर अंकित थे और हर पशु पे जो है 8 चक्र जो था अंकित था। तो चार पशु को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा सब मिला के 32 जो था चक्र था। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें तीलों की संख्या कितनी है? 24 है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है और ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, 32 तीलियों की संख्या पहले थी, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने बाजार व्यवस्था का प्रचलन करवाया? तो जिसने दिल्ली सल्तनत में बाजार व्यवस्था का प्रचलन करवाया वह था इल्तुतमीज़। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है करेक्ट हो जाएगा। इल्तुतमीज़ कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा उसका दामाद भी था और इल्तुतमीज़ को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसने ही दिल्ली सल्तनत में बाजार व्यवस्था का जो है प्रचलन शुरू करवाया था। बात करें दिल्ली सल्तनत का समय क्या था, तो दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो 1206 से लेकर 1526 तक है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया तो आपको उस समय भी याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक सरवर। जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। बात करें कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो जो जौनपुर है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में करवाया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? जूना खां। उसके नाम पर ही इसका नाम जौनपुर रखा गया था और इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दीन पनाह नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? बलबन ने, अकबर ने, हुमायूं या फिर शाहजहां ने? तो जो दीन पनाह नामक पुस्तकालय है इसकी स्थापना हुमायूं ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक था, बाबर के बाद यह मुगल वंश का शासक बना था और हुमायूं ने ही दीन पनाह नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी और अपने अंतिम समय में इसी दीन पनाह पुस्तकालय से की सीढ़ियों से फिसल कर ही हुमायूं की मृत्यु भी हुई थी। तो यहाँ से ये भी पॉइंट याद रखना है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में ही स्थित है और हुमायूं के मकबरा को जो है ताजमहल का अग्रगामी भी कहा जाता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में क्या असत्य है? बताना है कि निम्न में से क्या असत्य है। तो जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, बिल्कुल सही है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, यह भी सही है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, यह भी सही है। लेकिन जो हमारा चौथा ऑप्शन है, जहांगीर ने सिखों के गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी, तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये असत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने 1739 में किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह के समय, मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलिंगटन या फिर लॉर्ड मेयो? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही जो है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना की, इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश थे? तो इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 4 न्यायाधीश थे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से मुस्लिम लीग समझौता 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार ने की? देखिए किसके प्रयत्नों से मुस्लिम लीग का समझौता कांग्रेस से हुआ था 1916 में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक या फिर दोनों? तो जो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने साथ भाग लिया था और यह हो पाया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा। जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एसी मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इसे लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साथ में भाग लिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती नेल्ली सेन गुप्त। दोस्तों श्रीमती नेल्ली सेन गुप्त 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली अंग्रेज महिला बनी थी।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन में जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो कि 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इसे रिवाइज करते रहना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया और 26 जनवरी 1930 को कहां भारत का तिरंगा जो है फहराया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य रखा गया था और 26 जनवरी 1930 को जो भारत का तिरंगा फहराया गया था वह रावी नदी के तट पर फहराया गया था। ऑप्शन नंबर 12 ए करेक्ट हो जाएगा, रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को भारत का जो तिरंगा है वह फहराया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की तथा समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुई, यह दांडी कहाँ पर है। तो जो दांडी है ऑप्शन नंबर ए नवसारी गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नवसारी गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचाट जिसे कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। जब सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को, उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किसके प्रस्तावों को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक बताया, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक बताया था किस प्रस्ताव को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, यानी कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाले बैंक का आउटडेटेड चेक यानी कि उत्तर दिनांकित चेक बताया, किसे, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को। बात करें क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, तो भारत में क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को आया था। कब आया था, 23 मार्च 1942 को भारत में जो है क्रिप्स मिशन आया था। इसे ही महात्मा गांधी ने आउटडेटेड जो है चेक कहा था, दिवाली होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक बताया था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की विशेषता थी कि कुछ स्थानों पर समानांतर सरकारों का गठन हुआ, इनमें से कहाँ समानांतर सरकार का गठन नहीं हुआ। तो 1942 में जो कुछ जगह समानांतर सरकारों का गठन किया गया था, तो कहाँ पर सरकार का गठन नहीं हुआ, बलिया, जौनपुर, सतारा या फिर तामलुक। तो सही आंसर हो जाएगा जौनपुर, जौनपुर में जो है कोई भी समानांतर सरकार नहीं बनी, इसके अलावा बलिया, सतारा और तामलुक में जो है समानांतर सरकार जो है गठन किया जा चुका था। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक जो पुस्तक है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। इसके अलावा अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि महात्मा गांधी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। निम्नलिखित में से कौन सी जो योजना है वह भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान को दो अलग देशों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। और माउंटबेटन योजना कब आई थी, तो यह 3 जून 1947 कब आई थी, 3 जून 1947 को जो भारत पाकिस्तान माउंटबेटन योजना आई थी। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद कराया गया और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। इसके अलावा बाकी ऑप्शन देखें तो क्रिप्स मिशन योजना कब आई, क्रिप्स योजना 23 मार्च 1942 को आया। और कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन जो है वह 24 मार्च 1946 को आया था, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, आगरा में किसने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। तो आगरा में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है पाखंड खंडनी पत्रिका फहराई थी। बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इसके अलावा महात्मा गांधी स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा जाता है, इनका एक संबोधन था कि वेदों की ओर लौटो, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की थी, तो ये सभी आपको याद रखना है। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज जो समाज है इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, स्टॉक फार्मिंग क्या है।
तो स्टॉक फार्मिंग जो है पशुओं के प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? बताना है कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं। देखिए कांडला प्राकृतिक बंदरगाह है, पारादीप और मुंबई जो है प्राकृतिक बंदरगाह, लेकिन जो चेन्नई है यह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? नहीं, कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह नगर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तीर्थरेखा के सर्वाधिक निकट है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वह अंतर्राष्ट्रीय तीर्थरेखा के सर्वाधिक निकट है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री ताप क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या समान रहता है? तो क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान जो है वो घटता रहता है, क्या होता है? कम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सास्ता, रेनियर और हुड ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? ये कहाँ पर है? तो सास्ता, रेनियर और जो हुड ज्वालामुखी है ये सभी यूएसए यानी कि अमेरिका में है। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, माटो ग्रासो पठार कहाँ पर स्थित है? तो जो माटो ग्रासो पठार है यह ब्राजीलियन हाईलैंड में स्थित है। तो माटो ग्रासो पठार कहाँ पर है? ब्राजीलियन हाईलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का दक्षिणतम बसा नगर कौन सा है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कि पूरे विश्व का सबसे दक्षिणतम बसा हुआ नगर कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए पुंता एरिनास एक ऐसा देश है जो कि सबसे दक्षिण में है देश बसा हुआ पूरे विश्व में। यह कौन से महाद्वीप में है? तो यह दक्षिणी महाद्वीप में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आइए इसको हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं जिससे हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए मैप में देख सकते हैं, ये हमारा है पुंता एरिनास देश जो कि अर्जेंटीना के नीचे आपको दिख जाएगा, जो हमारा के दक्षिणी अमेरिका में। देखिए ब्राज़ील के नीचे अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना के नीचे जो हमारा ये है ये पूरा पुंता एरिनास देश है जो कि विश्व का सबसे दक्षिणतम देश है, तो सबसे दक्षिणतम बसा हुआ नगर है। क्या हो जाएगा इसका नाम? पुंता एरिनास हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं मैप में, साओ पालो बंदरगाह ब्राज़ील में है, यह किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर क्या हो जाएगा, साओ पालो बंदरगाह जो ब्राज़ील में है यह कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व भर में प्रसिद्ध है। देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनाडा में न्यू फाउंड लैंड में ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक क्यों प्रसिद्ध है? तो कनाडा के न्यू फाउंड लैंड में जो ग्रैंड बैंक है और जॉर्ज बैंक है किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछलियों के प्लवक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मछलियों के प्लवक के लिए। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कनाडा से एक प्रश्न हमेशा आपको याद रखना, कनाडा का कैपिटल क्या है? ओटावा। और कनाडा का जो सीमा है पूरे विश्व में सबसे बड़ी सीमा वाला देश कौन सा है? सबसे लंबी सीमा वाला जो देश हमारा है पूरे विश्व में वो है कनाडा, तो इसका नाम आपको इसलिए याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तरी रोडेशिया किसका पुराना नाम है? उत्तरी रोडेशिया जो किसका देश का पुराना नाम है? तो यह जाम्बिया का पुराना नाम क्या है? उत्तरी रोडेशिया। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, परंतु कौन ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं? देखिए यहाँ पर गलत दिखा है। देखिए सभी ग्रह परिक्रमा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, पृथ्वी भी हमारे जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, लेकिन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम यानी कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? पूर्व से पश्चिम। तो हमारे सौरमंडल में शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर में तेजी से गिरावट किसका संकेत है? तो बैरोमीटर में तेजी से जो गिरावट होता है वो तूफान का संकेत होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, जब संघनन एक ऐसे उषांग पर होता है जो हिमांक से नीचे हो तो अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस कणों के रूप में जमा हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुषार या पाला। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जीएस के जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद है जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।